Hey guys, welcome back again to our town, Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का countdown लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. Number 1. ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर का ट्रेलर 15 जनवरी को रिलीज कर दिया गया है. फिल्म के ट्रेलर में हवाई एक्शन सीन देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे. फाइटर का ट्रेलर 3 मिनट 9 सेकंड का है. फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि भारत में पाकिस्तान की तरफ हुए आतंकी हमले से कई जवान शहीद हो गए हैं. इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कहते हैं. फिर भारतीय एयरफोर्स के जवान के रोल में ऋतिक रोशन सहित दूसरे मिशन पर निकल पड़ते हैं. फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि ऋतिक रोशन ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है. फिल्म फाइटर में जबरदस्त तरह से हवाई एक्शन देखने को मिलने वाला है. Number 2. सालार की सक्सेस के बाद अब प्रभास एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. उनकी फिल्म राजा साहब का फर्स्ट लुक मेकर्स ने जारी कर दिया है. साउथ सुपरस्टार प्रभास ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपडेट करते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म राजा साहब की घोषणा की है. उन्होंने अपनी मूवी राजा साहब का पोस्टर शेयर किया है. इसमें प्रभास लुंगी लहराते हुए नजर आ रहे हैं. प्रभास का ये लुक इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिल्म राजा साहब का पोस्टर शेयर करते हुए प्रभास ने लिखा, इस त्योहारी सीजन में ये लीजिए द राजा साहब की पहली झलक. आप सभी को शुभकामनाएं. Number 3. प्रभु राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में एक प्लॉट खरीदा है. रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन भगवान राम की नगरी में घर बनाने वाले हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अमिताभ बच्चन ने ये प्लॉट मुंबई स्थित डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा से खरीदा है. हालांकि अभी तक इस प्लॉट की साइज और कीमत के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो इस प्लॉट की कीमत करीब 14.5 करोड़ रुपए है. अमिताभ बच्चन ने इस बारे में बातचीत करते हुए कहा, मैं अयोध्या में सरयू के लिए द हाउस ऑफ अभिनंदन लोहड़ा के साथ इस जर्नी को शुरू करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ. Number 4. साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. इस बीच विजय और रश्मिका की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. दरअसल कुछ दिनों पहले ही साउथ के स्टार एक्टर विजय देवरकोंडा ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की है. सामने आई इन फोटोज में विजय देवरकोंडा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं. इन फोटोज में विजय काफी खुश दिखाई दे रहे हैं. बता दें कि इन तस्वीरों को देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि वो रश्मिका मंदाना के साथ छुट्टियां मना रहे हैं. Number 5. बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान ने नूपुर शिखरे के साथ शादी कर ली है. आयरा खान का वेडिंग रिसेप्शन बीते शनिवार को हुआ जिसमें तमाम बॉलीवुड स्टार्स ने शिरकत की. कटरीना कैफ ने उनके को स्टार रहे आमिर खान की बेटी आयरा खान की वेडिंग रिसेप्शन में हिस्सा लिया. आयरा खान के वेडिंग रिसेप्शन से कटरीना कैफ की लेटेस्ट फोटो वायरल हो रही है. कटरीना कैफ की ड्रेस की बात करें तो उन्होंने क्रीम कलर का लहंगा पहना हुआ था. कटरीना कैफ पर ये ड्रेस काफी अच्छी लग रही थी. कटरीना कैफ की फिल्म मेरी क्रिसमस इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है जिसमें एक्ट्रेस विजय सेतुपति के साथ नजर आ रही है. Number 6. बॉलीवुड फिल्म स्टार कंगना रनौत ने आखिरकार मिस्ट्री मैन पर चुप्पी तोड़ दी है. कंगना रनौत ने हाल ही में इन रिपोर्ट्स पर कमेंट कर इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मुझे मिस्ट्री मैन को लेकर ढेर सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं जिसके साथ मैं अक्सर सैलून के बाहर हैंग आउट करती हूँ. सारी बॉलीवुड और फिल्मी मीडिया फैंटेसी में डूब गई है. एक लड़का और लड़की सड़क पर साथ कई वजहों से घूम सकते हैं बिना सेक्सुअल वजहों के. वो दोस्त हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, साथ काम करने वाले दोस्त हो सकते हैं या सिंपली एक हेयर स्टाइलिस्ट भी हो सकता है जो सालों से एक साथ काम कर रहा हो और दोस्त बन गया हो. कंगना रनौत की इंस्टाग्राम स्टोरी इंटरनेट न्यूज की दुनिया में छा गई है. Number 7. डीजे साहिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आमिर खान की बेटी आयरा खान की शादी के फंक्शन का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आमिर खान अपनी बेटी आयरा खान और दामाद नूपुर शिखरे के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. आमिर खान अपनी फिल्म रंग दे बसंती के गाने मस्ती की पाठशाला पर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ तमाम गेस्ट भी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. आमिर खान का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. Number 8. रोहित शेट्टी की फिल्मों में उड़ती गाड़ियां, धमाके और खूब सारा ड्रामा देखने को मिलता है. ऐसी ही कुछ रोहित शेट्टी डायरेक्टेड सिंघम की फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त में भी देखने को मिलेगा. सिंघम 3 की शूटिंग में बिजी चल रहे रोहित शेट्टी ने मकर संक्रांति के मौके पर एक्शन थ्रिलर के सेट से एक BTS वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसे देख फिल्मी फैंस के एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं रह गया है. वीडियो में रोहित शेट्टी की आवाज में एक्शन सुनाई देता है, फिर एक काले रंग की गाड़ी चलने लगती है और फिर तभी धमाका होता है जिसके बाद जलती गाड़ी हवा में उड़ जाती है. Number 9. रिपोर्ट्स की माने तो सैफ अली खान देवरा के बाद एक और बड़ी साउथ फिल्म में नजर आएंगे. कहा जा रहा है कि फेमस तमिल फिल्म मेकर बालाजी मोहन की नई फिल्म क्लिक शंकर में सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान ने जंगली पिक्चर्स के बैनर तले बन रही क्लिक शंकर साइन कर ली है. क्लिक शंकर का डायरेक्शन धनुष स्टारर मारी फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर बालाजी मोहन करने वाले हैं. कहा जा रहा है कि क्लिक शंकर को लेकर भी फ्रेंचाइजी प्लान की जा रही है.
नंबर 10। ऋतिक रोशन ने विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म बारहवीं फेल की खूब तारीफ की है। ऋतिक रोशन की तरह जानवी कपूर, कटरीना कैफ, अनुराग कश्यप, अमिताभ बच्चन और दूसरे जैसे अभिनेताओं ने विधु विनोद चोपड़ा की बारहवीं फेल की जमकर तारीफ की। फाइटर एक्टर ने एक्स अकाउंट पर लिखा, आखिरकार बारहवीं फेल देखी। ये फिल्म निर्माण में काफी मास्टर क्लास है। बाकी सब चीजों से ऊपर मैं पलों को बेहतर बनाने के लिए ध्वनि और ध्वनि प्रभाव के उपयोग से प्रेरित हुआ। शानदार प्रदर्शन, मिस्टर चोपड़ा क्या फिल्म है, प्रतिभा के लिए धन्यवाद, मैं इससे बहुत प्रेरित हूँ। नंबर 11। दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर का मच अवेटेड ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर ने रिलीज होते ही बवाल मचा दिया है, लेकिन इस ट्रेलर इवेंट में हर किसी को दीपिका की कमी खल रही है। फाइटर फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने से महज कुछ देर पहले दीपिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में लिखा हुआ था, मैं अपने स्क्वाडन को मिस कर रही हूँ, गुड लक टीम फाइटर, फाइटर ट्रेलर। इस कैप्शन के साथ दीपिका पादुकोण ने इमोजी भी शेयर किया, जिससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक्ट्रेस को कोल्ड और फीवर हो गया है। दीपिका का पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। नंबर 12। साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म फाइटर का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया है। एक स्पेशल इवेंट के बाद सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टर फिल्म का ट्रेलर फैंस के लिए रिवील किया गया है। फाइटर के इवेंट में ऋतिक रोशन, अनिल कपूर ने अपने चार्मिंग स्टाइल से चार चांद लगा दिए। फाइटर के ट्रेलर इवेंट में ऋतिक रोशन ऑल ब्लैक लुक में दिखाई दिए। ऋतिक ने काला चश्मा, काली ही टोपी और ब्लैक जैकेट के साथ मैचिंग पैंट्स कैरी की हुई थी। ऋतिक रोशन ने फाइटर की टी शर्ट पहन खूब लाइमलाइट बटोरी, वहीं काला चश्मा, फाइटर की टी शर्ट और ब्लैक जैकेट पहन अनिल कपूर ने स्टाइल दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नंबर 13। आमिर खान और रीना दत्ता की बेटी आयरा खान और नुपुर शिखरे की उदयपुर में हुई रॉयल वेडिंग के बाद अब उनका मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन हुआ। आयरा खान नुपुर शिखरे के वेडिंग रिसेप्शन में शाहरुख खान को उनकी पत्नी गौरी खान, आमिर खान और नुपुर शिखरे की मां के साथ पोज देते हुए देखा गया। आमिर खान की बेटी आयरा खान के रिसेप्शन में शाहरुख खान और सलमान खान के साथ अनिल कपूर, फरहान अख्तर, टाइगर श्रॉफ, कंगना रनौत, कार्तिक आर्यन, निर्माता रवि भंगचंदकर, रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, एआर रहमान, दिलीप जोशी समेत कई सेलेब्स को शिरकत करते देखा गया। नंबर 14। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुट्टू का राम ने सिनेमाघरों में आते ही तहलका मचा दिया है। फिल्म को सुपरस्टार शाहरुख खान का भी प्यार मिल रहा है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा पोस्ट किया। शाहरुख खान ने ट्वीट कर फिल्म का ट्रेलर भी साथ में शेयर किया और महेश बाबू को टैग करते हुए लिखा, मेरे दोस्त महेश बाबू, मैं गुट्टू का राम का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने आगे फिल्म की खासियत पर जोर देते हुए लिखा, एक्शन, इमोशन और बिना किसी शक के पूरी तरह से मास फिल्म है। शाहरुख खान ने लिखा, ये फिल्म आग लगा देगी। शाहरुख खान के इस ट्वीट पर कॉमेंट करते हुए महेश बाबू ने उनका शुक्रिया किया और लिखा, आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। नंबर 15। आमिर खान की बेटी आयरा खान और नुपुर शिखरे का वेडिंग रिसेप्शन सितारों से भरा देखने को मिला, जिसमें शाहरुख खान, रणबीर कपूर और दूसरे सेलेब्स पहुंचे, लेकिन सारी महफिल लूट ले गए सलमान खान। जी हां, आयरा खान के रिसेप्शन में सलमान खान को ऑल ब्लैक आउटफिट में देखा गया। टाइगर 3 एक्टर रुके और वहां मौजूद पेपराजी के सामने पोज देते वक्त मस्ती करते हुए भी नजर आए। सूट में वो स्वैग से एंट्री लेते दिखाई दिए। एक्टर ने पार्टी की काफी सारी लाइमलाइट लूटी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।